गठबंधन में कोई जो एनडीए गठबंधन में कोई दम नहीं मंत्री जी। हाँ मंत्री जी रुक जाइए, मंत्री जी रुक जाइए, इंडिया गठबंधन बोलिए, इंडिया गठबंधन क्या बता, लगता है भैया प्रतिष्ठान का उद्घाटन करने के लिए आए थे, कोई लड्डू खा लिए होंगे, ध्यान दे नहीं पाए, जवान फिसल गई। अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो बहुत जोर से वायरल हो रही है, बाराबंकी जिले में देखा था, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी आए थे और इनकी जवान फिसल जाती है भैया। इंडिया गठबंधन की बजाय ये बखदा एनडीए बोलते हैं, तरीक सुनो क्या कह रहे थे कि एनडीए गठबंधन में कोई दम वम नहीं है। अरे भैया एनडीए गठबंधन में मोदी जी हैं, दम तो बहुत है, आही बताएं भैया, तरीक सुनो क्या कह रहे थे। देखिए ये एनडीए टूट रही है, एनडीए का जो गठबंधन था वो नेचुरल नहीं था, केवल स्वार्थ का गठबंधन था, सभी लोग स्वार्थ बस जो है गठबंधन किए थे, स्वार्थ का पूर्ति होते हुए नहीं देखते हुए गठबंधन जो है बिखर गया। अब वो गठबंधन में कोई नहीं है और माननीय मोदी जी का जिस तरह से लोकप्रियता है, जिस तरह से उन्होंने काम किया है और मोदी जी का रथ जो गारंटी का रथ गांव गांव घूम रहा है, लोगों में भरोसा हो रहा है कि मोदी जी जो कहे हैं वो करके दिखा देंगे और जो पहले उन्होंने कहा उसको करके दिखाया, तो इसलिए जनता आज मोदी जी के साथ है। इसलिए सभी दलों के नेता बहुत सारे जो अपने विचारधारा को छोड़ करके माननीय मोदी जी के साथ जुड़ना चाहते हैं, इसलिए आप देख रहे गठबंधन के कई घटक हैं जो आज भाजपा के साथ आ गए हैं, जो इसलिए गठबंधन में कोई जो एनडीए गठबंधन में कोई दम नहीं मंत्री जी। अब देखो मंत्री जी की ऐसी कोई मंशा नहीं थी लेकिन जवान फिसल गए भैया, क्या ही बताया। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी देखा तो भैया एनडीए को लेकर के क्या बोल रहे थे, अब क्या ही बताया जाए। वायरल वीडियो की पुष्टि हमको बिल्कुल नहीं करना, नाम करते हैं भैया, वायरल हुआ तो हम गलत नहीं आपका दिखा दी कि देखो गलती से मिस्टेक हो गई और मंत्री जी की जवान फिसल गई। इंडिया गठबंधन की बजाय देखा तो एनडीए पर निशाना साध रहे थे, बल्कि मोदी जी की भी बड़ी तारीफ कर रहे थे, आपने तो सुना ही लिया, बाकी दूसरी खबर देख लेते हैं। अब हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा को लेकर के देखा तो भैया बाराबंकी जिले के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार जी द्वारा बैठक की जाती है लोकसभागार में और संबंधित अधिकारियों का आवश्यक दिशा निर्देश दिया जाता है कि देखो ऐसा है बोर्ड का जो एग्जाम होने वाला यूपी बोर्ड का उसको लेकर के शांतिपूर्वक सब संपन्न रहे, पारदर्शिता से एग्जाम कराया जाए, इसको लेकर के आवश्यक दिशा निर्देश दिया जाता है। तो हम गलत नहीं आपको बता दी कि देखा तो भैया हाई स्कूल इंटर का एग्जाम शुरू होने वाला है, बाकी आपकी कार्यक्रम की जगह दूसरी खबर देख ली था। अब सेफ्टी बहुत जरूरी है, जितने मजदूर हम सबसे कहना चाहेंगे कि देखो भैया जब भी आप लोग काम करो तो कम से कम जो आपका ठेकेदार है या जो भी भैया काम करवा रहा है आपसे उनसे कहो कि देखो हेलमेट हेलमेट ला करके दो। अब क्या ही बताएं आपको, बाराबंकी जिले के नगर कोतवाली क्षेत्र में भैया मकान की छत गिर जाने से दो मजदूरों की मौत हो गई। अब मामले की जानकारी बाराबंकी जिले के अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अखिलेश नारायण दे थे, तनिक सुनो साहब का कह रहे थे। कोतवाली थाना क्षेत्र में एक पुराने मकान को उसको खंडहर में तब्दील हो चुका था, उसको गिरवाने की कार्रवाई चल रही थी। इसके संदर्भ में मकान मालिक के द्वारा जो जिन दो लेबर्स को बुलाया गया था अचानक दीवार गिरने से घायल हो गए, जिनको जिला चिकित्सालय ले जाया गया जहां पर डॉक्टरों के द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया। इसके संदर्भ में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है, यहां अभियोगत कराना है कि वहां पर मौके पर कानून और शांति व्यवस्था की स्थिति फिलहाल सामान्य है। अब देखो बहुत दुखद खबर है, दुई मजदूरन की मौत हो गई है, तो हम सभी से निवेदन करना चाहेंगे कि जितने मजदूर काम कर रहे हैं भैया कम से कम आप लोग हेलमेट वेलमेट लगा लिया करो, सेफ्टी का सामान पहना करो, उसके बाद काम किया करो, वरना देखा तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है। जैसे भैया मोटरसाइकिल चलाते वक्त हेलमेट लगाना जरूरी है, वैसे वक्त काम करते वक्त भी कुछ ना कुछ जरूर लगा लिया करो हेलमेट वेलमेट, सेफ्टी बहुत जरूरी है। आपकी कार्यक्रम की जगह बाकी दूसरा खबर देख ली था। हम बाराबंकी जिले में देखा तो भैया अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन के अमरेंद्र कुमार सक्सेना जी द्वारा बाराबंकी जिले के पुलिस लाइन सभागार में बैठक की जाती है और जो भैया यूपी पुलिस का एग्जाम होने वाला है उसको लेकर के संबंधित अधिकारियों का आवश्यक दिशा निर्देश दिया जाता है, समीक्षा बैठक की जाती है। इस दरमियान आप देख सकते हो कि बाराबंकी जिले के एसपी दिनेश कुमार सिंह जी अमरेंद्र कुमार सक्सेना जी का स्वागत अभिनंदन कर रहे थे और देखा तो भैया बढ़िया सलामी भी दी जा रही थी। हम गलत नहीं आपको दिखाई दी, बाकी दूसरा खबर देख ली था। अब ये देखो बाराबंकी जिले के सिरौली गोसपुर क्षेत्र में भैया अकबर सातो जनहित के मुद्दों को लेकर के सिरौली गोसपुर के एसडीएम को अवगत करा रहे थे, बढ़िया देखा तो गुलदस्ता भेंट करके उनका स्वागत कर रहे थे। हम गलत तो नहीं आपको बता दी, बाकी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शंबा साहब को इंस्टाग्राम पर मिलेगी तो बेल आइकन दबा दीजिएगा।